राजपथ पर निकली झांकियों में भारत संस्कृति की विविधताएं देखिए, ये बताना जरूरी है। और वहां जवान और किसान भी छाए रहे। जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से मिश्रित खेती आय दोगुनी थीम पर झांकी निकाली गई। गणतंत्र दिवस के 69वें वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसे झांकी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। मोदी सरकार का एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी यानी डबल कर दी जाए। ऐसे 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज को साल का सबसे चर्चित इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में किसानों पर अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी दी थी प्रधानमंत्री मोदी। क्या कहा था पीएम ने, वो आपको सुना। आपको ऐसा लगता है कि कृषि में अभी क्रांति की जरूरत है? हमारा सपना है 2022 हमारे किसान की इनकम डबल करना। अब इनकम डबल करने में कितनी चीज़ें, जैसे आज आपका खेत है, आप उसमें सोलार फार्म भी एक कोने में कर सकते हैं। उसी सोलार पंप से आप पानी निकालेंगे तो आपका कॉस्ट कम हो गया, इनकम अपनी हो गई। दूसरा, खेत के किनारे पर हमने अभी बाम्बू का निर्णय कर दिया, बाम्बू उगा सकते हो, बाम्बू बेच सकते हो। आज हिंदुस्तान बांबू हजारों करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है। हम अगरबत्ती के लिए बांबू इंपोर्ट करते हैं। और सिर्फ कृषि ही नहीं, बहुत सी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में। और ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे। गणतंत्र का ऐतिहासिक मौका, पीएम मोदी का ऐतिहासिक इंटरव्यू। मन से अभी प्रधानमंत्री बना नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ। व्यवस्था से तहत हूँ, उस जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। मन से वो मैं सामान्य हूँ। जी न्यूज पर रात 9 बजे देखिए द पीएम इंटरव्यू, तो 9 बजे आप देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी, जिससे जुड़ी बात हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको सुनवाई, कृषि। कृषि में क्रांति के लिए 3 बेहद कदम जो है वो बतानी जरूरी है। कृषि में क्रांति के लिए और कृषि में क्रांति से देश की दशा बदलने के लिए अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ाना होगा। साल 1950 में देश की GDP में 53% हिस्सा कृषि क्षेत्र का था, जबकि 2017-18 की बात करें तो देश की GDP में कृषि का योगदान सिर्फ 17% है। कृषि में क्रांति के लिए दूसरा जरूरी कदम है खेतों में पैदावार यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। भारत के पास विश्व की 2% जमीन है, जबकि विश्व की लगभग 17% आबादी भारत में रहती है। लेकिन दूसरे विकसित देशों के मुकाबले हमारे खेतों में पैदावार जो है वो कम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खेती में तकनीक का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, जैविक खेती पर जोर दिया जाए और इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। और तीसरा जरूरी कदम, किसान अन्नदाता होते हैं, उनका सम्मान करें। सरकार से लेकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसानों के हित से जुड़ी योजनाएं लेकर आए। सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी। लेकिन किसानों के खुशहाली का रास्ता तैयार कैसे होगा, ये अहम सवाल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी मीडिया ग्रुप के अखबार DNA में आज लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किसानों और कृषि के लगातार विकास के लिए तकनीक को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चंद्रा ने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और जिन रेवोल्यूशन का उदाहरण दिया और कहा कि उत्पादन में बढ़ोतरी बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से ही संभव हुई है। डॉक्टर चंद्रा का कहना है कि कृषि के विस्तार के लिए जरूरी है कि हम नई तकनीक की जानकारी दें और साथ ही हम उनके कारोबारी फायदों के बारे में भी लोगों को जानकारी दें। यानी हमें किसानों को ऐसे यंत्र और तकनीक देने चाहिए जिनसे उनकी लंबे दौर की परेशानियां दूर हो, ना कि फौरी समाधान भर मिले।